नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,000 नए मामले, 94 लोगों की हुई मौत। दीप सिद्धू के बाद अब इकबाल सिंह भी गिरफ्तार, लाल किले पर भीड़ को उकसाने का है आरोप। दिल्ली वालों ने जीत ली जंग, 10 महीने में पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। अभी तक 32 शव मिले, 10 सत विशत मानव अंग बरामद। रेणी तपोवन आपदा में अभी तक 32 शव मिले हैं, जिनमें से 28 की पहचान हो चुकी है और 4 शवों की पहचान नहीं हुई। इसके अलावा 10 सत विशत मानव अंग बरामद हुए हैं। अभी तक 8 शवों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। चमोली त्रासदी पर वैज्ञानिकों ने जताया अंदेशा, बर्फ की चट्टानों के कमजोर पड़ने से आया जल सैलाब। दिल्ली में ब्लड फ्लू की दहशत अभी भी बरकरार, चिड़ियाघर से एकत्र 4 नमूने में मिला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। कवाड़ के जरिए जारी रहेगी चीन की घेराबंदी, जल्द ही हो सकती है पीएम मोदी और जो बाइडेन की बैठक। पिछले 5 सालों में 7.5 लाख भारतीय नागरिकता छोड़ बने विदेशी, गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, पूरे प्रदेश में लागू होगा समान आरक्षण। सहारनपुर में प्रियंका गांधी की महापंचायत, आज जिले में लगाई गई धारा 144। यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की सजा, 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसदों की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी सिलसिले में भाजपा सांसद रमेश विदोड़ी ने आरोप लगाया कि आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों से समर्थित कुछ लोग हैं। यही नहीं, रमेश विदोड़े ने आगे यह भी कहा कि आंदोलन में बैठे इन किसानों को 3 मुख्यमंत्रियों से फंडिंग मिल रही है। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इसी बीच आज बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये बेहद अहम होगा। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बजट पर अपनी पार्टी की ओर से पहले वक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत, 3 की मौत, मचा कोहराम। ट्विटर का सरकार को जवाब, 500 अकाउंट्स किए बंद, विवादित हैशटैग पर भी चलाई कैंची। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।